रशियन रिवॉल्यूशन को भी फिर से हम लोग फिर से 5W+1 इसका फिनोमिना इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और पहला प्रश्न रशियन रिवॉल्यूशन को लेके आता है कि व्हाट इज रशियन रिवॉल्यूशन। सो बेसिकली रशियन रिवॉल्यूशन जो था उसको हिस्टोरियन बोलते हैं वॉज अ पेयर ऑफ रिवॉल्यूशन इन रशिया। ये जनरली दो फेज के अंदर होता है 1917 के अंदर ही, एक तो होगा आपका फेब्रुवरी के अंदर और दूसरा होगा आपका अक्टूबर के अंदर। ओके, तो फेब्रुवरी 1917 एंड अक्टूबर 1917 एज पर दी ग्रेगोरियन कैलेंडर हम लोग इसको ही फॉलो करेंगे। अगर आप बहुत सारी किताबें देखेंगे तो वो बताएंगी, जो जूलियन कैलेंडर को फॉलो करते हैं वो बताते हैं कि रशियन रिवॉल्यूशन मार्च और नवंबर के अंदर हुआ था, क्योंकि जूलियन कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से कुछ 12-15 दिन आगे है, तो उसके कारण ये थोड़ा घना आपका थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिलता रहेगा। ओके, सो इट वॉज अ पेयर ऑफ रिवॉल्यूशन विच वॉज फॉट इन 1917 एंड इन दिस 1917 यू विल सी दैट द फर्स्ट रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन फेब्रुवरी 1917 व्हेन द रशियन पीपल डिसमेंटल्ड दी ज़ारिस्ट ऑटोक्रेसी। ज़ारिस्ट ऑटोक्रेसी मतलब रशिया के अंदर का राजा हुआ करता था जिसे हम लोग ज़ार कहते हैं, दो बिलोंग टू रोमानोव डायनेस्टी, और ये रोमानोव डायनेस्टी के राजा को ओवरथ्रो कर दिया गया था। उसके बाद यहाँ पे रशिया के अंदर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को भी ओवरथ्रो करने के बाद यहाँ पे एक कम्युनिस्ट सरकार आ जाएगी, और ये कम्युनिस्ट सरकार फाइनली 1922 तक आते आते रशिया के अंदर एक सोवियत यूनियन, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यहाँ पे USSR बनाएगी, और उसके बाद आपका रशिया की क्रांति कंक्लूड होगा। तो इट वॉज मोर ऑफ अ प्रोसेस, और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहा है। पहले मैं आपको प्रोसेस को समझा देता हूँ किस तरह से रशिया के अंदर क्रांति होती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि रशिया के अंदर एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था ज़ार, वो राजा का टाइटल था और उसका नाम था ज़ार निकोलस टू, और ये ज़ार निकोलस टू बेसिकली बहुत ही एम्बिशियस पर्सन था, और इसकी एम्बिशन के कारण यहाँ पे जब पूरे के पूरे यूरोप 1900s तक आते आते एक नेशन स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा था, तो रशिया के अंदर अभी भी मोनार्की थी, और मोनार्की को लेके लोगों को बहुत सारा गुस्सा था, और वो गुस्से को ये बेसिकली डाइवर्ट कराने के लिए 1905 में जापान के साथ युद्ध करेगा। और जापान, उसको लगता था कि मैं जापान के साथ युद्ध करके यहाँ पे जो नॉर्दर्न चाइना का जो एरिया थे उसको मैं थोड़ा बहुत कैप्चर कर दूंगा तो मेरे लिए अच्छा होगा और मेरी प्रजा को मैं डाइवर्ट कर दूंगा। बट हुआ ये कि 1905 में रशिया जापान के हाथों से मार खा जाता है। आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर थोड़ी बहुत जानकारी होगी कि किस तरह से यहाँ पे जापान और इंग्लैंड ने 1902 के अंदर यहाँ पे एक सीक्रेट अलायंस किया था, एंग्लो जापानीज अलायंस, तो उसी का ही फायदा थोड़ा बहुत जापान को भी मिलता है। उसके बाद 1905 से लेके 1911 तक रशिया के अंदर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स होते हैं, और इन दिस पॉलिटिकल रिफॉर्म्स यू विल सी कि रशिया का जो राजा था यहाँ पे खास करके एक पार्लियामेंट बनाई गई थी जिसका नाम था ड्यूमा, ड्यूमा के हाथ में बहुत सारा पॉलिटिकल पावर भी दे देगा, और ड्यूमा के अंदर से एक प्राइम मिनिस्टर आता है, वो प्राइम मिनिस्टर का नाम था पीटर स्टॉलपिन। हम लोग आगे की स्लाइड्स के अंदर देखेंगे कि किस तरह से ये स्टॉलपिन का रोल रशिया के अंदर कैसा रहता है, बट आपको मैं अभी टाइमलाइन के थ्रू ओवरव्यू दे रहा हूँ कि रिवॉल्यूशन जो रशिया के अंदर हुआ था खास करके वो रशियन रिवॉल्यूशन किस तरह से आपके यहाँ पे डेवलपमेंट करता है। ओके, सो 1911 में यहाँ पे पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस ख़त्म होते हैं। उसके बाद 1911 से लेकर 1917 के बीच में रशिया के अंदर एक एनार्की वाला पीरियड रहेगा। एनार्की इसके लिए क्योंकि 1914 में फाइनली रशिया के राजा ने अपने आप को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर झुका दिया था। अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपने देखा नहीं है तो प्लीज़ ट्राई टू वॉच दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वीडियोज़, और उसके अंदर से ही आपको ये रशिया के बारे में थोड़ा बहुत उसकी किस तरह की जो पैन स्लेविज्म और उसकी जो विचारधारा थी वो सब आपको इसके अंदर आएगी। खैर, बट आपको इसकी जानकारी रहनी चाहिए। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर यहाँ पे रशिया इन्वेड करेगा, सर्बिया के फेवर में चला जाएगा और ऑस्ट्रिया के ऊपर युद्ध डिक्लेयर कर देता है। फिर ऑस्ट्रिया की मदद करने के लिए जर्मनी आ जाता है और फिर तिकड़म चालू होती है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो जाता है। खैर, वो सब नहीं जाते हैं, बट 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर रशिया यहाँ पे इंक्लूड करता है तो ऑलमोस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर ही 1917 तक आते आते करीबन 20 लाख से ज़्यादा लोग रशियन सिविलियंस मारे गए थे, रशियन सिटीजन्स मारे गए थे, रशियन सोल्जर्स मारे गए थे, अराउंड 20 लाख पीपल डाइड इन दिस वॉर, और उसके कारण राजा के विरुद्ध में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, और वो प्रोटेस्ट के चलते राजा का जो रिजीम था द ज़ारिस्ट रिजीम वॉज अल्टीमेटली लाइक नो इट केम टू एन एंड इन फेब्रुवरी 1917 जब उसके सामने विद्रोह हो जाता है। जब ये ज़ारिस्ट रिजीम एंड हुआ तो यहाँ पे इसके बाद रशिया के अंदर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उभर के आएगी, और वो डेमोक्रेटिक बेसिकली सोशल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी जो समाजवादी विचारधारा वाली थी पर लोकशाही के अंदर अपनी लिबरल, और वही ग्रुप को बेसिकली लोग बहुत सारे बोलते हैं कि दिस वॉज द ग्रुप ऑफ मेंशेविक्स। रशिया के अंदर 1903 के आसपास से ही
यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी जो सोशल पार्टी थी उसके दो ग्रुप बन गए थे, एक तो था बोल्शेविक और दूसरा था मेंशेविक, और ये दोनों के दोनों ग्रुप जो थे ये बेसिकली अपनी आइडियोलॉजीज के कारण एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट में थे। मेंशेविक थोड़े बहुत सोशल लिबरल्स हुआ करते थे बट बोल्शेविक थोड़े बहुत फंडामेंटल थे, और इसके कारण यहाँ पे ये होता है। खैर फरवरी 1917 से लेके अक्टूबर 1917 तक आते आते यहाँ पे ये बोल्शेविक गवर्नमेंट जो थी या मेंशेविक गवर्नमेंट थी उसको भी टॉपल करा दिया जाता है, वो भी गिर जाती है, और फाइनली अक्टूबर 1917 में यहाँ पे बोल्शेविक गवर्नमेंट पत्ता के ऊपर आएगी जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी। और 1917 से लेके 1921 तक इनफैक्ट रशिया के अंदर सिविल वॉर भी चलेगा, और ये सिविल वॉर बेसिकली रशिया के जो लोग थे वही लड़ रहे थे। ये सिविल वॉर के अंदर तीन पार्टीज हुआ करती थी। इन दिस सिविल वॉर यू विल सी दैट थ्री पीपल वर इंक्लूडेड, एक तो थे बोल्शेविक, दूसरे थे मेंशेविक, और तीसरे थे मोनार्क। मोनार्क मतलब जो जार के फॉलोअर्स थे। इसके लिए ये मोनार्क और मेंशेविक लोग कभी कभी एक भी हो जाते थे, क्योंकि इनको सपोर्ट कर रही थी डेमोक्रेटिक फोर्सेस, और ये नहीं चाहती थी कि भाई यहाँ पे रशिया के अंदर ये जो बोल्शेविक लोग हैं सत्ता के ऊपर आ जाए और इसके कारण यहाँ पे युद्ध होता है। ओके खैर वो सब नहीं चलेंगे। 1921 के अंदर फाइनली रशिया के अंदर एक सोवियत रिपब्लिक एस्टेब्लिश कर दिया जाता है। ओके और उसके बाद से ही रशिया का नाम USSR, फाइनली उसके जो जितने भी 12 से भी ज़्यादा छोटे छोटे प्रदेश इकट्ठे हुए और USSR बनता है। ये USSR 1921 से लेके 1991 तक रहेगा, और 1991 में फिर से USSR डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, फिर से वहाँ पे अलग अलग प्रदेश हो जाएंगे, रशिया होगा, बेलारूस होगा, यूक्रेन होगा, जितने भी स्लाव कंट्रीज थे वो सब हो जाएंगे। खैर उसके अंदर नहीं जाते। ओके तो यू विल ट्राई टू सी कि फेज वन ऑफ द रिवॉल्यूशन, इसको बोला गया है कि टू फेजेस के अंदर होता है। पहला फेज था फरवरी 1917 रिवॉल्यूशन, जहाँ पे किंग को हटा के डेमोक्रेटिक सरकार आती है। दूसरा फेज था आपका अक्टूबर रिवॉल्यूशन, और ये अक्टूबर रिवॉल्यूशन में देखने को मिलेगा कि डेमोक्रेसी को हटा के कम्युनिस्ट गवर्नमेंट सत्ता के ऊपर आएगी। तो ये आप फेजे समझने की कोशिश करेगा। अब देखेगा कि राजा को क्यों हटाया गया था, उसके पीछे ये रूसो जापान वॉर और पार्लियामेंट्री रिफॉर्म से कहीं ना कहीं जिम्मेदार थे। ओके सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि फरवरी 1917 के अंदर जो रिवॉल्यूशन होता है पहले फेज के अंदर, उसके अंदर हम लोग, मैं आपको थोड़ा बहुत लेके जाना चाहूँगा फरवरी 1917 के रीजंस कहाँ कहाँ थे। यहाँ पे हुआ करता था राजा, राजा का नाम था ज़ार निकोलस टू, और उसके सामने हुआ करती थी रशियन पीपल। ओके रशिया के आम आदमी जो कॉमन मैन हुआ करता था, एंड एसेंशियली इट वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द रशियन पीपल एंड द रशियन मोनार्की, जिसके कारण फरवरी 1917 जो पहला फेज आता है जहाँ रशिया के अंदर थोड़ी बहुत डेमोक्रेटिक सरकार बनाने की कोशिश की गई थी, उसके पीछे मैं आपको लेके जाना चाहूँगा। अब समझिएगा कि ये जो क्रांति हुई रशिया के अंदर वो बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट मोनार्की और आम आदमी के बीच में था, और ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुआ इसके लिए मुझे आपको थोड़ा बहुत रशिया के अंदर लेके जाना पड़ेगा। तो रशियन स्टोरी को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, और ये स्टोरी बेसिकली कॉजेज ऑफ रिवॉल्यूशन के अंदर से ही आपको देखेंगे। कॉजेज ऑफ रिवॉल्यूशन हर एक के अंदर मैंने आपको बताया सेम ग्रेवी। अमेरिकन रिवॉल्यूशन के अंदर सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड कल्चरल आइडियोलॉजिकल कॉजेज हो गए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर हो गए, रशियन रिवॉल्यूशन के अंदर भी आपको वही कॉजेज देखने को मिलेंगे। पॉलिटिकल कॉजेज क्या थे, इकोनॉमिक कॉजेज क्या थे, सोशल कॉजेज क्या थे, एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं। सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द रशिया ऑफ द 20th सेंचुरी, क्योंकि ये रिवॉल्यूशन कब हुआ, 1917 के फरवरी के अंदर जब पहले फेज के अंदर रिवॉल्यूशन होता है, उसको जानने की कोशिश करते हैं। और पहला हम लोग कॉजेस देखेंगे वो है सोशल कॉजेस। अब सोशल कॉजेस के अंतर्गत रशिया की जो सोसाइटी थी इट वाज अगेन द प्रिविलेज बेस्ड सोसाइटी। याद करिए पुराने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के क्लासेस को, आपने ना देखा हो तो उसको पहले देखिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको यूरोप का एक ओवरऑल यूनिफॉर्म आपको सोशल स्ट्रक्चर दिखेगा। ये प्रिविलेज बेस्ड सोसाइटी के अंदर में रशिया के अंदर सबसे ऊपर वाला वर्ग हुआ करता था वो था आपका क्लर्जी क्लास, मतलब आपके धर्मगुरु जो भी रिलीजियस पीपल हुआ करते थे, खास करके रशिया के अंदर भी जो ऑर्थोडॉक्स चर्च था उसके ही रिप्रेजेंटेटिव थे। और ये बेसिकली खास करके रशिया के अंदर एक जेंटलमैन हुआ करते थे जो पादरी अपने आप को कहते थे, उनका नाम था रास्पुटिन। ये रास्पुटिन बेसिकली अपनी जो कलरफुल हैबिट्स है, उनकी जो रंगरलियाँ मनाने की जो स्टाइल थी, उसके लिए बहुत फेमस थे, और वो बेसिकली रॉयल फैमिली को कैप्चर करके रखा था। ये रॉयल फैमिली रशिया के ऊपर क्यों रूल करता था, क्योंकि ये यहाँ पे डिवाइन राइट्स के आधार के ऊपर
सबको कंट्रोल करता था. डिवाइन राइट्स मैंने आपको बताई दिया कि दैट द किंग इज अपॉइंटेड बाय द गॉड और द गॉड हु इज ओमनीपोटेंट, गॉड हु इज ओमनीप्रेजेंट, उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता एक्सेप्ट द गॉड इटसेल्फ. किंग को कोई क्वेश्चन नहीं करता एक्सेप्ट द गॉड. और ये रास्पुटिन यहाँ पे रॉयल फैमिली के अंदर में ही यहाँ पे उसने दबदबा बना दिया था और पूरा का पूरा जो क्लर्जी क्लास था उसको बहुत सारे प्रिविलेजेस मिल रहे थे. तो रशियन कॉमन मैन जो था उसको बहुत सारा गुस्सा था और उसमें भी रास्पुटिन का एक अफेयर चलता था. ओके, उसको रास्पुटिन अफेयर कहते हैं. कहते हैं कि रास्पुटिन और राजा की जो रानी थी उसका नाम था जारीना, वो जारीना के बीच में बहुत सारे इलिसिट अफेयर हुआ करता था और बहुत सारे लोगों को भी इसकी जानकारी थी. सो पीपल डिड नॉट लाइक डिट कि ऊपर से एक तो ये धर्मगुरु है, हम दो रिलीजियस पीपल जो है उनको एक रिस्पेक्ट के साथ देखते हैं, सम्मान के साथ. ऊपर से ये धर्मगुरु एक प्रिविलेज बेस्ड सोसाइटी के अंदर है, इसको बहुत सारे प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, विशेष अधिकार मिल रहे हैं. ऊपर से ये राजा की रानी के साथ कहीं ना कहीं बोलते थे कि भाई इसका कहीं कुछ अफेयर है. तो यहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी कि रशिया के लोगों को बहुत गुस्सा था कि ये जो रिलीजियस क्लास है, ये जो क्लर्जी क्लास है, ये क्लर्जी क्लास के अंदर भी उसमें भी ये रास्पुटिन नाम का जो इंसान है, ये रास्पुटिन यहाँ पे बहुत सारी खराब खराब चीज़ें कर रहा है. रशिया के अंदर जो सेकेंड वर्ग हुआ करता था वो था आपका एरिस्टोक्रेट्स एंड नोबल्स का. ये एरिस्टोक्रेट्स एंड नोबल्स बेसिकली यहाँ पे बड़ी बड़ी मात्रा में ज़मीन यहाँ पे रखते थे, इनको भी प्रिविलेजेस थे. ओके, दे वर ऑल्सो हैविंग द प्रिविलेजेस एंड दे वर ऑल्सो हैविंग द मोनोपली ऑफ द हाइएस्ट ऑफिसेस इन द गवर्नमेंट. इनको भी सरकार के अंदर सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कि प्रिविलेजेस मिला करता था. और ऊपर से जो नए आइडियाज़ वेस्टर्न यूरोप से आते थे, अब वेस्टर्न यूरोप से आइडिया कौन से आएंगे, वो आइडिया आएंगे डेमोक्रेसी के, वो आइडिया आएंगे आपके लिबर्टी के, वो आइडिया आएंगे आपके इक्वालिटी के, वो आइडिया आएंगे आपके फ्रेटर्निटी के. और ये जितने भी आइडियाज़ थे ये इनको पसंद नहीं आते थे. इनको लगता था कि भाई साहब ये जो पूरी की पूरी चीज़ें इन्होंने किया है वो बहुत ही गलत कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये सब आइडियाज़ रशिया के अंदर आ गए तो क्या होगा भाई, हमारी दुकान बंद होगी. तो ये जो रशियन सोसाइटी थी एरिस्टोक्रेट्स एंड नोबल्स की, इनको बहुत सारे प्रिविलेजेस थे रशिया के अंदर और इनकी भी लाइफ मस्त एकदम तबीयत से चल रही थी. और इसके कारण रशिया का जो कॉमन मैन था, जो सबसे नीचे रहता था, उसकी हालत ख़राब थी. द थर्ड क्लास यूज टू कंसिस्ट ऑफ द पीजेंट्स एंड द वर्कर्स. और रशिया के अंदर बहुत सख्त रूप से सोशल इनइक्वालिटी थी, सामाजिक असमानताएं रशिया के अंदर इतनी थी. और रशिया के अंदर सर्फडम नाम की जो प्रथा है, जहां पे आप पीजेंट्स को आप इनडायरेक्टली एक बेगार बना के रखते हो विदाउट एनी मनी, वो सब अबॉलिश कर दिया गया था. बट द कंडीशन वॉज वेरी बैड. यू विल बी सरप्राइज दैट 20,000 लैंडलॉर्ड्स यूज टू कंट्रोल 180 मिलियन एकर्स ऑफ द लैंड, 180 मिलियन एकर. और उसके सामने 10 मिलियन से भी ज़्यादा, 1 करोड़ से भी ज़्यादा पीजेंट्स यूज टू कंट्रोल ओनली 190 मिलियन एकर ऑफ द लैंड. तो इतनी डिस्पैरिटी थी. और ये डिस्पैरिटी के कारण आपका जो सबसे नीचे वाला वर्ग, जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पॉल्यूशन इनका पॉपुलेशन था, और इनको गुस्सा था कि भाई साहब हमारा खून चूस लोगे क्या. सो यू विल सी दैट द रशियन पीजेंट्स एंड द रशियन वर्कर्स हु यूज्ड टू स्टे ड्यूरिंग द ज़ार्स रिजीम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रशिया, दे वर हैविंग सो मच ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बाय द रशियन स्टेट. और इनको बहुत गुस्सा था क्योंकि 20,000 लोग आपके 50% ऑफ द रिसोर्सेज को कंट्रोल कर रहे हैं और बाकी के 50% ऑफ द रिसोर्सेज आपके ऑलमोस्ट 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग कर रहे हैं. तो ये तो 0.1% पॉपुलेशन है जो आपका पूरा का पूरा घर है. सेकेंडली, इनको टैक्सेस ज़्यादा पे करने पड़ते थे कहीं ना कहीं से, इनके प्रिविलेजेस नहीं थे. तो इनको बहुत गुस्सा था पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली. द होल ऑफ द रशियन पीपल विच यूज टू कंसिस्ट ऑफ द पीजेंट्स एंड द वर्कर्स, दे वर डिप्राइव्ड. और इनको बहुत गुस्सा हो रहा था. यही गुस्से के कारण आपको जानकारी मिलती है कि रशिया के अंदर बहुत आइडियोलॉजिकल चेंजेस आने भी शुरू हुए. आइडियोलॉजिकल चेंजेस के अंतर्गत आपको जानकारी मिलेगी कि 19th सेंचुरी के अंदर पूरे के पूरे यूरोप के अंदर समाजवाद और साम्यवाद, और समाजवाद के प्रचारक हुआ करते थे मार्क्स. और मार्क्स जैसे ऑथर्स ने बहुत सारी चीज़ें लिखी, और वो उन्होंने जब ये सब चीज़ें लिखी थी तो ही रोट अबाउट द सोशल सिस्टम इन रशिया एज वेल. मार्क्स 1883 के आसपास वो उनकी मृत्यु हो जाती है, बट उनके आइडियाज़, उनकी जो राइटिंग थी वो रशिया को कहीं ना कहीं से कनेक्ट कर रही थी. और बैकग्राउंड के अंदर रशिया के अंदर जो फेब्रुआरी 1917 के अंदर रिवॉल्यूशन हुआ, उसके पहले इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन तो हो चुका था. लिबरल आइडियाज़ ऑफ वेस्टर्न यूरोप वर एंटरिंग रशिया. और मैंने बताया कि पंछी, नदियाँ, पवन के झोंके,
कोई सरहद ना इन्हें रोके. सो एनी ऑफ दिस आइडियाज विच वर पासिंग फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप टूवर्ड्स रशिया, नो वन वॉज एबल टू स्टॉप दिस. एंड द रशियन पीपल ऑलरेडी लाइक दिस आइडिया. और उनको लगता था कि भाई बाकी सारे वहाँ से मोनार्की से अगर डेमोक्रेसी की तरफ जा सकते हैं, फ्रांस के अंदर जा सकता है, ईस्टर्न यूरोप के अंदर बहुत सारी कंट्रीज के अंदर हो सकता है, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता. सो दे वर ऑल्सो एस्पायरिंग अ चेंज कि यहाँ पे ये जो मोनार्की है, खास करके एब्सोल्यूट मोनार्की है, उसके अंदर परिवर्तन आना चाहिए. और ये जितने भी आइडियाज थे उन्होंने एब्सोल्यूट मोनार्क को अटैक किया, बोले यहाँ पे भारत रशिया के अंदर जो तकलीफें हो रही है उसके पीछे राजाशाही रशिया की जिम्मेदार है. खास करके दो अथर्स, एक तो थे मार्क्स और दूसरे थे मैक्सिम गॉर्की. ये गॉर्की ने सबसे ज़्यादा यहाँ पे रशियन लोगों को इन्फ्लुएंस किया है और उसके जो विचार थे उसके कारण बहुत डेवलपमेंट हुआ. और इसी के कारण मैंने आपको बताया कि ये जो सोशल डेमोक्रेट जो पार्टी हुआ करती थी, ये सोशल डेमोक्रेट पार्टी भी बन जाती है रशिया के अंदर. और ये पार्टी के ही दो पार्ट आपके बन गए हो कि एक तो थे बोल्शेविक्स और दूसरे थे मेंशेविक्स. बोल्शेविक्स वर काइंड ऑफ रिवॉल्यूशनरीज एंड मेंशेविक्स वर काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक्स. ओके, तो एक ही इनका जो स्प्लिट होता है 1903-4 के आसपास यहाँ पे. बट ये पॉलिटिकली रशियन लोग इंटेलेक्चुअल हो चुके थे, उनको ये सब समझ में आ रहा था. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर द रोल ऑफ आइडियोलॉग्स इन एनी ऑफ द रिवॉल्यूशन. ये जितने भी आइडियोलॉग्स थे, जितने भी थिंकर्स थे, इन्होंने भी रशियन प्रजा के लिए बुद्ध का काम किया है. इन्होंने भी वही बताया रशियंस को कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरोज एंड द रीजन फॉर योर सॉरो इज द ज़ार. बोले ज़ार को हटा दो, आपके सब के सब रीजन एक साथ के में डिपेंड, उसके ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो सब चली जाएगी. ओके, सो आइडियोलॉग फिलोसफर जितने भी थे उन्होंने सिस्टम के बारे में लिखा और इसके कारण बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे. वही चेंजेस कंटिन्यू होते हैं और इकोनॉमिक रीजन्स के अंदर भी आपको जानकारी मिलेगी कि 18 से लेके 20th सेंचुरी तक आते आते रशिया के अंदर आर्थिक रूप से सिचुएशन कैसी थी. इकोनॉमिक कॉजेज के अंदर में मैंने आपको बताया कि रशिया यूज टू बी एब्सोल्यूट मोनार्की, और एब्सोल्यूट मोनार्क के अंदर मैंने आपको बताया कि राजा क्या बोलेगा, मुझे जो सही लगता है वो मैं करता हूँ, आई एम द स्टेट एंड माई वर्ड इज द लॉ. और राजा कॉन्स्टेंटली युद्ध करता रहा. वो युद्ध उसने किया 1905 के अंदर रूसो जापान वॉर. युद्ध करेगा तो भाई साहब पैसा कहाँ से आएगा, पैसा किसके पास है, वो भी नहीं जपा किंग उसको वहाँ से भी शांत नहीं रहता. 1914 के अंदर वर्ल्ड वॉर वन करता है. वर्ल्ड वॉर वन के अंदर भी अल्टीमेटली वही था कि भाई पैसा कहाँ से आएगा. पैसे के लिए उसके पास एक इकोनॉमिकली कोई स्टेबल इनकम वाला फेस तो था नहीं. रशिया के अंदर ऑलरेडी इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं हो रहा था. और रशिया एक फॉसिल की तरह, आप बोल सकते हो कि एक फॉसिल की तरह बना हुआ था यूरोप के अंदर, क्योंकि पूरा का पूरा यूरोप बाय 1900s यू विल सी कि डेमोक्रेसी के अंदर ट्रांजिशन हो रहा था, नई इकोनॉमिक सिस्टम आ रही थी, सोशल चेंज हो रहा था, पर रशिया पुरानी सिस्टम को लेके कंटिन्यू कर रहा था. तो रेवेन्यू नहीं थी, राजा युद्ध के ऊपर युद्ध कर रहा है, ऊपर जापान से उसको चाटा पड़ गया, उसको मुँह की खानी पड़ी यहाँ पे, तो ऑलरेडी लोगों को उसके विरुद्ध में गुस्सा था. साथों साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर भी करीबन 17 से 20 लाख रशियंस मारे गए, तो लोगों को उसमें भी गुस्सा था, पर राजा यहाँ चुप नहीं बैठता है. और राजा को जब हटाने की बात की गई तो फाइनली फरवरी 1917 के अंदर रिवॉल्यूशन होता है. सेकेंडली, ये जो राजा था तो राजा कैसा जीता है, अपना लाइफस्टाइल तो लेविश ही रहता है. ओके, तो कड़के तो कड़के लेकिन नवाब के लड़के, तो ये जो पूरा का पूरा फीचर था वो लेविश लाइफस्टाइल के थ्रू यहाँ पे रशियन किंग रूल किया करते थे. अभी खर्चा आपका बहुत हो रहा है, आप युद्ध कर रहे हो, आपके पास रेवेन्यू के सोर्सेज बरोबर है नहीं, तो क्या करोगे. तो इकोनॉमिकली रशिया के अंदर क्राइसिस थे. एंड ये कंडीशन में आपको जानकारी मिलती है कि रेवेन्यू कहाँ से आएगा. साथों साथ टैक्सेशन पॉलिसी तो थी नहीं, क्योंकि ये जो नोबल्स एंड एरिस्टोक्रेट्स थे उनको प्रिविलेजेस दिया जाता था, टैक्स पे करना है कि नहीं करना है उसके ऊपर उनके भी अलग अलग अपने ओपिनियंस हुआ करते थे. और साथों साथ रशिया के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, एंड इंडस्ट्रियली रशिया वॉज वेरी मच बैंकरप्ट. तो स्लो इंडस्ट्रियलाइजेशन इन रशिया टुक प्लेस, देर वर ओनली 500 फैक्ट्रीज, और वर्कर्स जितने भी थे वो एक्सप्लॉइट हो रहे थे. अब देखेगा कि 1910 के आसपास रशिया के अंदर 500 फैक्ट्रीज थी. 1910 मतलब पूरा वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, पार्ट्स ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो चुका था. बट रशिया, मैंने आपको बताया, फॉसिल था. फॉसिल समझ में आता है, सेडिमेंटरी रॉक्स के अंदर जो मिलते हैं आपके पुराने जानवर जो एसेंशियली कन्वर्ट हो जाते हैं और उसके बाद उसी का ही मिनरल बनता है. तो ये फॉसिल बन गया था, इतना फॉसिल था कि बात मत करो. और साथों साथ आपका जो स्टेट था वो इकोनॉमिकली करप्ट और बहुत ही इनएफिशियंट था.
तो वर्कर्स को गुस्सा, कॉमन मैन को गुस्सा, राजा मजा मजा कर रहा है और राजा के सामने भी गुस्सा था। और यही गुस्से के कारण आपको जानकारी मिलती है कि रशिया के अंदर रिवॉल्यूशन बैकग्राउंड के अंदर चलेगा। सो यू विल सी कि सोशली, कल्चरली, इकोनॉमिकली बाय 1900s रशिया हैड वेरी मच स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स। दिस स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स वर नॉट एड्रेस्ड बाय द ज़ार किंग एंड द पीपल वर हैविंग लार्ज ग्रीवेंसेस। इतने ग्रीवेंसेस थे, उतना गुस्सा था, कुछ नहीं हुआ। और ये गुस्सा बेसिकली 1905 से लेके 1917 तक आते आते बहुत सारे पॉलिटिकल इंसिडेंट्स के अंदर यहाँ पे कंक्लूड करेगा और उसके कारण ही रशिया के अंदर रिवॉल्यूशन होता है। सो फ्रॉम 1905 टिल 1917 यू विल सी दैट सम पॉलिटिकल इंसिडेंट्स टुक प्लेस इन रशिया विच रिजल्टेड इनटू द फेब्रुवरी 1917 रिवॉल्यूशन। और उसी को ही हम लोग कहते हैं पॉलिटिकल कॉजेज़।